अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहनाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर की बहुत ही स्पेशल एंड डिलीशियस सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर चंगेज़ी। जो पनीर चंगेज़ी बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएँ, बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएँ, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फर्स्ट स्टेप हमें करना है पनीर मैरिनेट। तो इसके लिए हमने ले लिया है, ये 1/2 kg पनीर लिया है हमने, और इसे ऐसे बड़े क्यूब्स में काट लिया है, क्योंकि जब भी पनीर चंगेज़ी बनाएं तो पनीर को बड़े साइज में काटें। तो इन सबको हम बाउल में डालेंगे मैरिनेशन के लिए। इसमें हम डालेंगे ये 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, ये 1/4 teaspoon हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें, ताकि हमारी जो पनीर में अच्छा कलर आए, क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत कम होती हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 teaspoon चाट मसाला डालेंगे इसमें, 1 tablespoon इसमें हम कर्ड डालेंगे। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि पनीर में अच्छे से इन सब मसाले कोट हो जाएँ। अब इसको हम 15 टू 20 मिनट्स तक ऐसी मैरिनेट के लिए रखेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं ये पनीर मैरिनेट हुए, अब हम इसको रोस्ट करते हैं। तो हमने पनीर रोस्ट करने के लिए पैन ले लिया है, ये ग्रिल्ड पैन है। इसमें हम बहुत थोड़ा सा बटर लगाएंगे, ये बहुत थोड़ा सा ही लगाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, पहले वन साइड से, फिर टर्न करके सारे साइड से इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमने एक साइड से इसको रोस्ट करके टर्न कर दिया है, कितने अच्छे इस पर मार्क्स आए हैं, ये साइंस आए हैं इसके ग्रिल के, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब हम ऐसे ही सब साइड से इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारे ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, कितने अच्छे साइंस आ गए हैं इसके ऊपर ग्रिल्ड के। अब ऐसा करते हैं, इसको हम करते हैं साइड में और अपनी ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। ग्रेवी के लिए हमने ये पैन ले लिया है, इसमें मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये 1.5 tablespoon मस्टर्ड ऑयल है, और इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। देखिए, ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये। अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा बटर, और इसमें हम ये खड़े गर्म मसाले डालेंगे। एक बड़ी इलायची है, 4-5 हरी इलायची, 2-3 ये पीसेज हैं दालचीनी के, और लौंग और इलायची हैं 4-5, 3 ये सूखी लाल मिर्च, ये डाल देंगे इसमें। फ्लेम हमारा स्लो है। ये मैंने 2 large size की अनियन ली है, इसको बहुत फाइन चॉप कर लिया है। अगर लार्ज साइज ना हो आपके पास तो 3 onion आप लीजिएगा, अगर 1/2 kg ये बनाएं आप पनीर में। इसमें डाल देंगे ये, अब प्याज को हम गोल्डन फ्राई होने तक उसको फ्राई करेंगे। ये प्याज जो है लाइट ब्राउन होने लगी है, अब अपना यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ये 1 teaspoon ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको 2 से 3 minutes तक अच्छे से चलाएंगे, फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है जिंजर गार्लिक की वो निकल जाए। बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों चीज़ें। फ्लेम अपना स्लो करके एकदम ये 2 tablespoon कर्ड है ये इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से चलाएंगे। अब 2 से 3 minutes तक इसको और भूनेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने कर्ड डाला है अभी अभी। ये प्याज और हमारे कर्ड अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से भुन गई है, साइड से ऑयल निकल आया है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे अपने टमाटोज। ये मैंने 3 medium size के टमाटर लिए हैं, इसको ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ मैंने कर्ड का भी यूज़ किया है और टमाटर का भी। टमाटर मैंने थोड़े ये ऑरेंजिश कलर में लिए हैं, ताकि थोड़ा खट्टापन हो इसमें, क्योंकि जो चंगेज़ी वाली डिशेज़ होती हैं, चिकन चंगेज़ी हो या पनीर चंगेज़ी, हल्की सी टंगी होती है ये। इसको वैसे अच्छे से मिक्स करेंगे, 4 minutes तक अच्छे से भूनेंगे हम टमाटर को भी, ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। इसमें हम यहाँ ऐड करेंगे सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे सॉल्ट। 3-4 minutes हो चुके हैं हमें टमाटर को फ्राई करते हुए, अब हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे।
हाफ टी स्पून ये मैंने कुटी लाल मिर्च लिए ये इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी ग्रेवी का। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से हमें भूनना है सारे मसाले को। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुनने लगा है, ये ऑयल भी साइड से निकल आया है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे क्रीम, 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है ये ऐड कर देंगे इसमें हम, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी है, इसको मैंने थोड़ा सा तवे पर ऐसे ही हल्का हल्का सा सेक कर क्रश कर लिया है, तो ये 1 टेबल स्पून है ये इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 ये टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा कितना अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके भुनने की। अब इसमें हम ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है, जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी थोड़ा ऐड कर लीजिए। ये इसको अब इसको हम कवर करके पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको कवर करके हमने पकाया है, इसको खोल के देखते हैं कितना अच्छा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा एकदम से ग्रेवी कलर आया है। अब ये पनीर के क्यूब्स डालेंगे, इसको ग्रेवी में मिक्स करेंगे पनीर क्यूब्स को, और बहुत आराम से चलाएंगे ताकि पनीर क्यूब्स जो है टूट ना जाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये पनीर चंगेजी। अब ये एकदम से रेडी है, बस 1-2 मिनट और इसको ढक के कुक करेंगे, उसके बाद सर्व कर लेंगे इसको। 2 मिनट तक पकाया था इसको कवर करके, माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छा लग रहा है ये, एकदम से रेडी है। अब आइए इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स देखा कितना इजीली बन गया हमारा पनीर चंगेजी, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हमने इसको बनाया है, और कोई इतना मुश्किल नहीं लगा इसको बनाने में। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, हमारी रेसिपी से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा पनीर चंगेजी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।